एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। हम सब ने बचपन में ऐसी कहानियां सुनी होंगी, है ना? जब भी हम अपने से बड़ों को कहानी, किसी ऐसे समय में कहानी सुनने की जिद करते जो वो समय सही नहीं होता या फिर उनके पास वक्त नहीं होता, तो हमें टालने के लिए यही कहते थे, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। लेकिन जब कहानी में एक राजा होता है, एक रानी होती है, वो अगर मर भी जाए तो कहानी खत्म नहीं होती। वो कहानी इतिहास बनाती है जो एक लंबे वक्त तक हमारे मन पे अंकित रह जाती है। नमस्कार, ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी। किस्सा कहानी में आज मैं हूँ भारती कुमारी और आप सबके लिए लेकर आई हूँ प्रेमचंद की लिखी हुई एक कहानी, रानी सारंधा। अंधेरी रात के सन्नाटे में धसान नदी चट्टानों से टकराती हुई ऐसी सुहावनी मालूम होती थी जैसे घुमर घुमर करती हुई चक्कियां। नदी के दाहिने तट पर एक टीला है, उस पर एक पुराना दुर्ग बना हुआ है जिसको जंगली वृक्षों ने घेर रखा है। टीले के पूर्व की ओर एक छोटा सा गांव है। ये गढ़ी और गांव दोनों एक बुंदेला सरदार के कीर्ति चिन्ह है। शताब्दियां व्यतीत हो गईं, बुंदेलखंड में कितने ही राजाओं का उदय और अस्त हुआ। मुसलमान आए और बुंदेला राजा उठे और गिरे। कोई गांव, कोई इलाका ऐसा ना था जो इन दुर्वस्थाओं से पीड़ित ना हो, मगर इस दुर्ग पर कभी किसी शत्रु का विजय पताका न लहराया और इस गांव में किसी विद्रोह का भी पदार्पण ना हुआ। ये उसका सौभाग्य था। अनिरुद्ध सिंह वीर राजपूत था। वो जमाना ही ऐसा था जब मनुष्य मात्र को अपने बाहुबल और पराक्रम का ही भरोसा था। एक ओर मुसलमान सेनाएं पैर जमाए खड़ी रहती थीं, दूसरी ओर बलवान राजा अपने निर्बल भाइयों का गला घोंटने पर तत्पर रहते थे। अनिरुद्ध सिंह के पास सवारों और पियादों का एक छोटा सा मगर सजीव दल था। इससे वो अपने कुल और मर्यादा की रक्षा किया करता था। उसे कभी चैन से बैठना नसीब ना होता था। 3 वर्ष पहले उसका विवाह शीतला देवी से हुआ था, मगर अनिरुद्ध विहार के दिन और उल्लास की रातें पहाड़ों में काटता था और शीतला उसकी जान की खैर मनाने में। वो कितनी बार पति से अनुरोध कर चुकी थी, कितनी बार उसके पैरों पर गिरकर रोई थी कि तुम मेरी आंखों से दूर ना हो, मुझे हरिद्वार ले चलो, मुझे तुम्हारे साथ वनवास अच्छा है, ये वियोग अब नहीं सहा जाता। तब उसने प्यार से कहा, जिद से कहा, विनय की, मगर अनिरुद्ध बुद्धेला था। शीतला अपने किसी हथियार से उसे परास्त ना कर सकी। ऐसी ही एक अंधेरी रात थी, सारी दुनिया सोती थी पर तारे आकाश में जागते थे। शीतला देवी पलंग पर पड़ी करवटें बदल रही थी और उसकी ननद सारंधा फर्श पर बैठी मधुर स्वर में गाती थी, बिनु रघुवर कटत नहीं रैन। शीतला ने कहा, जीना जलाओ, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आती है? सारंधा ने हंसते हुए कहा, मैं तो तुम्हें लोरी सुना रही हूं। शीतला बोली, मेरी आंखों से तो नींद का लोप हो गया। सारंधा, किसी को ढूंढने गई होगी। और इतने में द्वार खुला और एक गठे हुए बदन के रूपवान पुरुष ने भीतर प्रवेश किया। वो अनिरुद्ध था। उसके कपड़े भींगे हुए थे और बदन पर कोई हथियार ना था। शीतला चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठ गई। सारंधा ने पूछा, भैया ये कपड़े क्यों भींगे हैं? अनिरुद्ध, नदी तैर के आया हूं सारंधा। सारंधा, और हथियार क्या हुए? अनिरुद्ध, हथियार छिन गए। सारंधा, और साथ के आदमी? अनिरुद्ध, सबने वीर गति पाई। शीतला ने दबी जबान से कहा, ईश्वर ने ही कुशल किया, मगर सारंधा के तेवरों पर बल पड़ गए और मुखमंडल गर्व से सतेज हो गया। बोली, भैया तुमने कुल की मर्यादा खो दी, ऐसा तो कभी ना हुआ था। सारंधा अपने भाई पर जान देती थी। उसके मुंह से ये धिक्कार सुनकर अनिरुद्ध लज्जा और खेद से विकल हो गया। वो वीरागनी जिसे क्षण भर के लिए अनुराग ने दबा दिया था, फिर ज्वलंत हो गई।
वो उल्टे पांव लौटा और ये कहकर बाहर चला गया कि सारंधा, तुमने मुझे सदैव के लिए सचेत कर दिया, ये बात मुझे कभी ना भूलेगी। अंधेरी रात थी, आकाश मंडल में तारों का प्रकाश बहुत धुंधला था। अनिरुद्ध किले से बाहर निकला, पल भर में नदी के उस पार जा पहुंचा और फिर अंधकार में लुप्त हो गया। शीतला उसके पीछे पीछे किले की दीवारों तक आई, मगर जब अनिरुद्ध छलांग मारकर बाहर कूद पड़ा तो विरहिणी चट्टान पर बैठकर रोने लगी। इतने में सारंधा भी वहां आ पहुंची। शीतला ने नागिन की तरह बल खाकर कहा, मर्यादा इतनी प्यारी है? सारंधा, हाँ। शीतला, अपना पति होता तो हृदय में छुपा लेती। सारंधा, ना, छाती में छुरा चुभा लेती। शीतला ने ऐंठ कर कहा, चोली में छिपाती फिरोगी, मेरी बात गिरह बांध लो। सारंधा बोली, जिस दिन ऐसा होगा मैं भी अपना वचन पूरा करके दिखाऊंगी। इस घटना के 3 महीने बाद अनिरुद्ध महरौनी को जीत कर लौटा और साल भर बाद सारंधा का विवाह ओरछा के राजा चंपत राय से हो गया। मगर उस दिन की बातें दोनों महिलाओं के हृदय स्थल में कांटे की तरह खटकती रहीं। राजा चंपत राय बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे। सारी बुंदेला जाति उनके नाम पर जान देती थी और उनके प्रभुत्व को मानती थी। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुगल बादशाहों को कर देना बंद कर दिया और वे अपने बाहुबल से राज्य विस्तार करने लगे। मुसलमानों की सेनाएं बार बार उन पर हमले करती थी पर हार कर लौट जाती थी। यही समय था जब अनिरुद्ध ने सारंधा का चंपत राय से विवाह कर दिया। सारंधा ने मुंह मांगी मुराद पाई। उसकी ये अभिलाषा कि मेरा पति बुंदेला जाति का कुल तिलक हो पूरी हुई। यद्यपि राजा के निवास में 5 रानियां थी, मगर उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि वो देवी जो हृदय में मेरी पूजा करती है सारंधा है। परंतु कुछ घटनाएं हुई कि चंपत राय को मुगल बादशाह पर आश्रित होना पड़ा। वो अपना राज अपने बड़े भाई पहाड़ सिंह को सौंप कर दिल्ली चले गए। ये शाहजहां के शासनकाल का अंतिम भाग था। शाहजादा दाराशिकोह को राजकीय कार्यों को संभालते थे। युवराज की आंखों में शील था और चित्त में उदारता। उन्होंने चंपत राय की वीरता की कथाएं सुनी थी, इसलिए उनका बहुत आदर सम्मान किया और कालपी के बहुमूल्य जागीर उनको भेंट की, जिनकी आमदनी 9 लाख थी। ये पहला अवसर था कि चंपत राय को आए दिन की लड़ाई झगड़े से निवृत्ति मिली और इसके साथ ही भोग विलास का प्राबल्य हुआ। रात दिन आमोद प्रमोद की चर्चा रहने लगी। राजा विलास में डूबे, रानियां जड़ाऊ गहनों पर ही थी, मगर सारंधा इन दिनों बहुत उदास और संकुचित रहती। वो इन रहस्यों से दूर दूर रहती। ये नृत्य और गान की सभाएं उसे सूनी प्रतीत होती। एक दिन चंपत राय ने सारंधा से कहा, सारन, तुम उदास क्यों रहती हो? मैंने तुम्हें कभी हंसते नहीं देखा। क्या मुझसे नाराज हो? सारंधा की आंखों में जल भराया, बोली, स्वामी, आप क्यों ऐसा विचार करते हैं? जहां आप प्रसन्न हैं, वहां मैं भी खुश हूं। चंपत राय बोले, मैं जब से यहां आया हूं, मैंने तुम्हारे मुख कमल पर कभी मनोहारिणी मुस्कुराहट नहीं देखी। तुमने कभी अपने हाथों से मुझे बीड़ा नहीं खिलाया, कभी मेरी पाग नहीं सवारी, कभी मेरे शरीर पर वह शस्त्र ना सजाए, कहीं प्रेमलता मुरझाने तो नहीं लगी? सारंधा बोली, आप मुझसे ऐसी बातें पूछते हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। पर सच तो है ये है कि इन दिनों मेरा चित्त बहुत उदास रहता है। मैं बहुत चाहती हूं कि खुश रहूं, मगर बोझ सा हृदय पर धरा रहता है। चंपत राय स्वयं आनंद में मग्न थे, इसलिए उनके विचार में सारंधा को असंतुष्ट रहने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता था। वे भौहें सिकोर कर बोले, मुझे तुम्हारे उदास रहने का कोई विशेष कारण नहीं मालूम होता, और ओरछे में कौन सा सुख था जो यहाँ नहीं है? सारंधा का चेहरा लाल हो गया। वो बोली, मैं कुछ कहूं, आप नाराज तो नहीं होंगे? चंपत राय बोले, नहीं नहीं शौक से कहो। सारंधा बोली, ओरछे में मैं एक राजा की बेटी थी और यहां मैं एक जागीरदार की चेली हूं। ओरछे में वो थी जो अवध में कौशल्या थी, यहां मैं बादशाह के एक सेवक की स्त्री हूं।
जिस बादशाह के सामने आज आप आदर से सिर झुकाते हैं वो कल तक आपके नाम से कांपता था। रानी से चेरी होकर भी प्रसन्नचित होना मेरे वश में नहीं है। आपने ये पद और ये विलास की सामग्रियां बड़े महंगे दामों मोल ली हैं। चंपत राय के नेत्रों पर से एक पर्दा सा हट गया। वो अब तक सारंधा की आत्मिक उच्चता को ना जानते थे। जैसे बिना माँ बाप का बालक माँ की चर्चा सुनकर रोने लगता है, उसी तरह ओरछे की याद में चंपत राय की आंखें सजल हो गई। उन्होंने आदर युक्त अनुराग के साथ सारंधा को हृदय से लगा लिया। आज से उन्हें फिर उसी उजड़ी बस्ती की फिक्र हुई जहां से धन और कीर्ति की अभिलाषाएं खींच लाई थी। माँ अपने खोए हुए बालक को पाकर निहाल हो जाती है। चंपत राय के आने से बुंदेलखंड निहाल हो गया। ओरछे के भाग जाग गए, नौबतें झड़ने लगी और सारंधा के कमल नेत्रों में जातीय अभिमान का आभास दिखाई देने लगा। यहां रहते रहते महीनों बीत गए। इस बीच में शाहजहां बीमार पड़ा, पहले से ईर्ष्या की अग्नि दहक रही थी। ये खबर सुनते ही ज्वाला प्रचंड हुई, संग्राम की तैयारियां होने लगी। शाहजादे मुराद और मुहिउद्दीन अपने अपने दल सजाकर दक्षिण से चले। वर्षा के दिन थे, उर्वरा भूमि रंग बिरंग के रूप भरकर अपने सौंदर्य को दिखाती थी। मुराद और मुहिउद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ा दे चले आ रहे थे, यहाँ तक कि धौलपुर के निकट चंबल के तट पर आ पहुंचे। परंतु यहाँ उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभागमन के निमित्त तैयार पाया। अब शाहजादे बड़ी चिंता में पड़े। सामने अगम्य नदी लहरें मार रही थी, किसी योगी के त्याग की सदृश। विवश होकर चंपत राय के पास संदेश भेजा कि खुदा के लिए आकर हमारी डूबती हुई नाव को पार लगाइए। राजा ने भवन में जाकर सारंधा से पूछा, इसका क्या उत्तर दूं? सारंधा, आपको मदद करनी होगी। चंपत राय, उनकी मदद करना दारा सिकोह से वैर लेना है। सारंधा, ये सत्य है, लेकिन हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभानी चाहिए ना। चंपत राय, प्रिय तुमने सोच कर जवाब नहीं दिया। सारंधा, मैं अच्छी तरह जानती हूं कि ये मार्ग कठिन है और अब हमें अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा, परंतु हम अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे। विश्वास रखिए कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी वो हमारे वीरों की कीर्तिगान करती रहेगी। जब तक बुंदेलों का एक भी नाम लेवा रहेगा, ये रक्त बिंदु उसके माथे पर केसर का तिलक बनकर चमकेंगे। वायुमंडल में मेघराज की सेनाएं उमड़ रही थी। ओरछे के किले से बुंदेलों की एक काली घटा उठी और वेग के साथ चंबल की तरफ चली। प्रत्येक सिपाही वीर रस से झूम रहा था। सारंधा ने दोनों राजकुमारों को गले से लगा लिया और राजा का बीड़ा देकर कहा, बुंदेलों की लाज अब तुम्हारे हाथ है। आज उसका एक एक अंग मुस्कुरा रहा है और हृदय पुलकित है। बुंदेलों की यह सेना देखकर शाहजादे फूले न समाए। राजा वहां की अंगुल अंगुल भूमि से परिचित थे। उन्होंने बुंदेलों को तो आर में छिपा दिया और वे शाहजादों की फौज को सजाकर नदी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर ले चले। दाराशिको को भ्रम हुआ कि शत्रु किसी अन्य घाट से नदी उतरना चाहता है। उन्होंने घाट पर से मोर्चे हटा लिए। घाट पर बैठे हुए बुंदेले इसी ताक में थे, बाहर निकल पड़े और उन्होंने तुरंत ही नदी में घोड़े डाल दिए। चंपत राय ने शाहजादा दाराशिको को भुलावा देकर अपनी फौज घुमा दी और बुंदेलों के पीछे चलता हुआ उसे पार उतार लाया। इस कठिन चाल में 7 घंटों का विलंब हुआ, परंतु जाकर देखा तो 700 बुंदेलों की लाशें तड़प रही थी। राजा को देखते ही बुंदेलों में हिम्मत आ गई। शाहजादे की सेना ने भी अल्लाह अकबर की ध्वनि के साथ धावा किया। बादशाही सेना में हलचल पड़ गई, उनकी पंक्तियां छिन्न भिन्न हो गई, हाथों हाथ लड़ाई होने लगी, यहां तक कि शाम हो गई। रणभूमि रुधिर से लाल हो गई और आकाश में अंधेरा हो गया। घमासान की मार हो रही थी। बादशाही सेना शाहजादों को दबाए आती थी। अकस्मात पश्चिम से फिर बुंदेलों की एक लहर उठी और इस वेग से बादशाही सेना की पुश्त पर टकराई कि उसके कदम उखड़ गए। जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया। लोगों को कुतूहल था कि ये दैवी सहायता कहां से आई।
सरल स्वभाव के लोगों की ये धारणा थी कि ये फतेह के फरिश्ते हैं, शाहजादों की मदद के लिए आए हैं। लेकिन जब राजा चंपत राय निकट गए तो सारंधा ने घोड़े से उतरकर उनके पैरों पर सिर झुका दिया। राजा को असीम आनंद हुआ, ये सारंधा थी। समर भूमि का दृश्य इस समय अत्यंत दुखमय था। थोड़ी देर पहले जहां सजे हुए वीरों के दल थे, वहां अब बेजान लाशें तड़प रही थी। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए अनादिकाल से ही भाइयों की हत्या की है। अब विजयी सेना लूट पर टूट पड़ी। पहले मर्द मर्दों से लड़ते थे, ये वीरता और पराक्रम का चित्र था, ये नीचता और दुर्बलता की ग्लानिप्रद तस्वीर थी। उस समय मनुष्य पशु बना हुआ था, अब यह पशु से भी बढ़ गया था। इस नोच खसोट में लोगों को बादशाही सेना के सेनापति वली बहादुर खां की देह दिखाई दी। उसके निकट उसका घोड़ा खड़ा हुआ अपने दुम से मक्खियां उड़ा रहा था। राजा को घोड़ों का शौक था, देखते ही उस पर मोहित हो गया। यह इराकी जाति का एक अति सुंदर घोड़ा था। एक एक अंग सांचे में ढला हुआ, सिंह सी छाती, चीते की सी कमर। उसका यह प्रेम और स्वामी भक्ति देखकर लोगों को बड़ा कुतूहल हुआ। राजा ने हुक्म दिया, खबरदार, इस प्रेमी पर कोई हथियार ना चलाए, इसे जीता पकड़ लो, ये मेरे अस्तबल की शोभा बढ़ाएगा। जो इसे मेरे पास ले आएगा उसे धन से निहाल कर दूंगा। योद्धागण चारों ओर से लपके, परंतु किसी का साहस ना होता था कि उसके निकट जा सके। कोई चुमकार रहा था, कोई फंदे में फंसाने की कोशिश फिक्र में था, पर कोई उपाय सफल ना होता था। वहां सिपाहियों का मेला सा लगा हुआ था। तभी सारंधा अपने खेमे से निकली और निर्भय होकर घोड़े के पास चली गई। उसकी आंखों में प्रेम का प्रकाश था, छल का नहीं। घोड़े ने सिर झुका दिया। रानी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और वो उसकी पीठ सहलाने लगी। घोड़े ने उसके आंचल में मुंह छिपा लिया। रानी उसकी रास पकड़कर खेमे की ओर चली। घोड़ा इस तरह चुपचाप उसके पीछे चल पड़ा मानो सदैव से उसी का सेवक हो। पर बहुत अच्छा होता कि घोड़े ने सारंधा से भी निष्ठुरता की होती। ये सुंदर घोड़ा आगे चलकर इस राज परिवार के निमित्त स्वर्ण जटित मृग साबित हुआ। संसार एक रण क्षेत्र है। इस मैदान में उसी सेनापति को विजय लाभ होता है जो अवसर को पहचानता है। वो अवसर पर जितने उत्साह से आगे बढ़ता है, उतने ही उत्साह से आपत्ति के समय पीछे हट जाता है। वो वीर पुरुष राष्ट्र का निर्माता होता है और इतिहास उसके नाम पर यश के फूलों की वर्षा करता है। पर इस मैदान में कभी कभी ऐसे भी सिपाही जाते हैं जो अवसर पर कदम बढ़ाना जानते हैं लेकिन संकट में पीछे हटाना नहीं जानते। ये रणवीर पुरुष विजय को नीति की भेंट कर देते हैं। वे अपनी सेना का नाम मिटा देंगे किंतु जहां एक बार पहुंच गए हैं वहां से कदम पीछे नहीं हटाएंगे। उनमें कोई विरला ही संसार क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है, किंतु प्रायः उसकी हार विजय से भी अधिक गौरवात्मक होती है। मगर अनुभवशील सेनापति राष्ट्रों की नींव डालता है तो आन पर जान देने वाला, मुंह न मोड़ने वाला सिपाही राष्ट्र के भावों को उच्च करता है और उसके हृदय पर नैतिक गौरव को अंकित करता है। उसे इस कार्य क्षेत्र में चाहे सफलता ना हो, किंतु जब किसी वाक्य या सभा में उसका नाम जवान पर आ जाता है, श्रोतागण एक स्वर से उसकी कीर्ति गौरव को प्रतिध्वनित कर देते हैं। सारंधा आन पर जान देने वालों में से थी। शाहजादा मोहियुद्दीन चंबल के किनारे से आगरे की ओर चला तो सौभाग्य उसके सिर पर मूर्छा हिलाता था। जब वो आगरे पहुंचा तो विजय देवी ने उसके लिए सिंहासन सजा दिया। औरंगजेब गुणज्ञ था। उसने बादशाही सरदारों के अपराध क्षमा कर दिए और उसके राज्य पद लौटा दिए और राजा चंपत राय को उसके बहुमूल्य कृत्यों के उपलक्ष्य में 12,000 मनसब प्रदान किया। ओरछा से बनारस और बनारस से जमुना तक उसकी जागीर नियत की गई। बुंदेला राजा फिर राजसेवक बना, वो फिर सुख विलास में डूबा और रानी सारंधा फिर पराधीनता के शोक से घुलने लगी।
वली बहादुर खां बड़ा वाक्चतुर मनुष्य था। उसकी मृदुता ने शीघ्र ही बादशाह आलमगीर का विश्वास पात्र बना दिया। उस पर राजसभा में सम्मान की दृष्टि पड़ने लगी। खां साहब के मन में अपने घोड़े के हाथ से चले जाने का बड़ा शोक था। एक दिन कुंवर छत्रसाल उसी घोड़े पर सवार होकर शहर को गया था। वो खां साहब की महल की तरफ से जा निकला। वली बहादुर ऐसे ही अवसर की ताक में था। उसने तुरंत सेवकों को इशारा किया। राजकुमार अकेला क्या करता, चलते चलते घर आया और उसने सारंधा से सारा कुछ बयान किया। रानी का चेहरा तमतम आ गया। बोली, मुझे इसका शोक नहीं कि घोड़ा हाथ से गया, शोक इसका है कि तू उसे खोकर जीता क्यों लौटा। क्या तेरे शरीर में बुंदेलों का रक्त नहीं है? घोड़ा ना मिलता ना सही, किंतु तुझे दिखा देना चाहिए था कि एक बुंदेला बालक से उसका घोड़ा जीत लेना हंसी बात नहीं है। ये कहकर उसने अपने 25 योद्धाओं को तैयार होने की आज्ञा दी। स्वयं अस्त्र धारण किए और योद्धाओं के साथ वली बहादुर खां के निवास स्थान पर जा पहुंची। खां साहब उसी घोड़े पर सवार होकर दरबार चले गए थे। सारंधा दरबार की तरफ चली और एक क्षण में किसी वेगवती नदी के सदृश बादशाही दरबार के सामने जा पहुंची। यह कैफियत देखते ही दरबार में हलचल मच गई। अधिकारी वर्ग इधर उधर से आकर जमा हो गई। आलमगीर भी सहन में आ निकला। लोग अपनी अपनी तलवारें संभालने लगे और चारों तरफ शोर मच गया। कितने ही नेत्रों ने इसी दरबार में अमर सिंह की तलवार की चमक देखी थी। उन्हें वही घटना फिर से याद आ गई। सारंधा ने उच्च स्वर में कहा, खां साहब, बड़ी लज्जा की बात है। आपने वही वीरता जो चंबल के तट पर दिखानी चाहिए थी, आज एक अबोध बालक के सम्मुख दिखाई है। क्या यह उचित था कि आप उससे घोड़ा छीन लेते? वली बहादुर खां की आंखों में अग्नि ज्वाला निकल रही थी। वे कड़ी आवाज में बोले, किसी गैर को क्या मजाल कि मेरी चीज को अपने काम में लाए। रानी सारंधा बोली, अब वो आपकी चीज नहीं है, मेरी है। मैंने उसे रणभूमि में पाया है और उस पर मेरा अधिकार है। क्या रणनीति की इतनी मोटी बात भी आप नहीं जानते? खां साहब, वो घोड़ा मैं नहीं दे सकता, उसके बदले में सारा अस्तबल आपकी नजर है। रानी, मैं अपना घोड़ा लूंगी। खां साहब, मैं उसके बराबर जवाहरात दे सकता हूं, परंतु घोड़ा नहीं दे सकता। रानी, तो फिर इसका निश्चय तलवार से होगा। बुंदेला योद्धाओं ने तलवारें सौंत ली और निकट था कि दरबार की भूमि पर रक्त से प्लावित हो जाए। तभी बादशाह आलमगीर ने बीच में आकर कहा, रानी साहिबा, आप सिपाहियों को रोके, घोड़ा आपको मिल जाएगा, परंतु उसका मूल्य आपको बहुत देना पड़ेगा। रानी, मैं उसके लिए अपना सर्वस्व खोने को तैयार हूं। बादशाह, जागीर और मनसब भी? रानी बोली, जागीर और मनसब तो कोई चीज ही नहीं। बादशाह, और अपना राज्य भी? रानी बोली, हाँ, राज्य भी। बादशाह ने फिर पूछा, एक घोड़े के लिए? रानी बोली, नहीं, उस पदार्थ के लिए जो संसार में सबसे अधिक मूल्यवान है। बादशाह, वो क्या है? रानी बोली, अपनी आन। इस भांति रानी ने अपने घोड़े के लिए अपनी विस्तृत जागीर, उच्च राज और राज सम्मान सब हाथ से खोया और केवल इतना ही नहीं, भविष्य के लिए कांटे बोए। इस घड़ी से अंत दशा तक चंपत राय को शांति ना मिली। राजा चंपत राय ने फिर ओरछे के किले में पदार्पण किया। उन्हें मनसब और जागीर के हाथ से निकल जाने का अत्यंत शोक हुआ, किंतु उन्होंने अपने मुंह से शिकायत का एक शब्द भी नहीं निकाला। वे सारंधा के स्वभाव को भली भांति जानते थे। शिकायत इस समय उसके आत्मगौरव पर कुठार का काम करती। कुछ दिन यहां शांतिपूर्वक व्यतीत हुए, लेकिन बादशाह सारंधा की कठोर बात भूला ना था। वो क्षमा करना जानता ही नहीं था। जो ही भाइयों की ओर से निश्चिंत हुआ, उसने एक बड़ी सेना चंपत राय का गर्व चूर्ण करने के लिए भेजी और 22 अनुभवशील सरदार इस मुहिम पर नियुक्त हुए। शुभकरण बुंदेला बादशाह का सूबेदार था। वो चंपत राय के बचपन का मित्र और सहपाठी था। उसने चंपत राय को परास्त करने का बीड़ा उठाया। और भी कितने ही बुंदेला सरदार राजा से विमुख होकर बादशाही सूबेदार से आ मिले। एक घोर संग्राम हुआ।
भाइयों की तलवारें रक्त से लाल हुई। यद्यपि इस समर में राजा को विजय प्राप्त हुई, लेकिन उसकी शक्ति सदा के लिए छीन हो गई। निकटवर्ती बुंदेला राजा जो चंपत राय के बाहुबल थे, वो बादशाह के कृपाकांक्षी बन बैठे। साथियों में कुछ तो काम आए, कुछ दगा दे गए, यहां तक कि निज संबंधियों ने भी आंखें चुरा ली। परंतु इन कठिनाइयों में भी चंपत राय ने हिम्मत नहीं हारी, धीरज को नहीं छोड़ा। उन्होंने ओरछा छोड़ दिया और 3 वर्ष तक बुंदेलखंड के सघन पर्वतों पर छुपे फिरते रहे। बादशाही सेनाएं शिकारी जानवरों की भांति सारे देश पर मंडरा रही थी। आए दिन राजा का किसी न किसी से सामना हो जाता था। सारंदा सदैव उनके साथ रहती और उनका साहस बढ़ाया करती। बड़ी बड़ी आपत्तियों में जबकि धैर्य लुप्त हो जाता और आशा साथ छोड़ देती, आत्मरक्षा का धर्म उसे संभाले रहता है। 3 साल के बाद अंत में बादशाह के सूबेदारों ने आलमगीर को सूचना दी कि इस शेर का शिकार आपके सिवाय किसी और से नहीं होगा। उत्तर आया कि सेना को हटा लो और घेरा हटा लो। राजा ने समझा इस संकट से निवृत्ति हुई, पर वह शीघ्र ही भ्रमात्मक सिद्ध हुई। 3 सप्ताह से बादशाही सेना ने ओरछा घेर रखा है। जिस तरह कठोर वचन हृदय को छेद डालते हैं, उसी तरह तोप के गोलों ने दीवारों को छेद डाला था। किले में 20,000 आदमी घिरे हुए हैं, लेकिन उनमें से आधे से अधिक स्त्रियां और उससे कुछ ही कम बालक हैं। मर्दों की संख्या दिनों दिन न्यून होती जाती है। आने जाने के मार्ग चारों तरफ से बंद हैं। हवा का भी गुजर नहीं। रसद का सामान बहुत कम हो गया है। स्त्रियां पुरुषों और बालकों को जीवित रखने के लिए उपवास करती हैं। लोग बहुत हताश हो रहे हैं। औरतें सूर्य नारायण की ओर हाथ उठा उठा कर शत्रु को कोसती हैं। बालक वृंद मारे क्रोध के दीवार की आड़ से उन पर पत्थर फेंकते हैं, जो मुश्किल से दीवार के उस पार जा पाते हैं। राजा चंपत राय स्वयं ज्वर से पीड़ित हैं। उन्होंने कई दिन से चारपाई नहीं छोड़ी। उन्हें देखकर लोगों में कुछ ढांढस होता था, लेकिन उनकी बीमारी से सारे किले में नैराश्य छाया हुआ है। राजा ने सारंदा से कहा, आज शत्रु जरूर किले में घुस आएंगे। सारंदा, ईश्वर ना करे इन आंखों से वो दिन देखना पड़े। राजा, मुझे बड़ी चिंता इन अनाथ स्त्रियों और बालकों की है। गेहूं के साथ ये घुन भी पिस जाएंगे। सारंदा, हम लोग यहां से निकल जाएं तो कैसा हो? राजा आश्चर्यचकित होकर बोले, इन अनाथों को छोड़कर? सारंदा, इस समय इन्हें छोड़ देने में ही कुशल हैं। हम ना होंगे तो शत्रु इन पर भी कुछ दया ही करेंगे। राजा, नहीं, ये लोग मुझसे नहीं छोड़े जाएंगे। मर्दों ने अपनी जान हमारी सेवा में अर्पण कर दिया है। उनकी स्त्रियों और बच्चों को मैं कदापि नहीं छोड़ सकता। सारंदा, लेकिन यहां रहकर हम उनकी कुछ मदद भी तो नहीं कर सकते। राजा, उनके साथ प्राण तो दे सकते हैं। मैं उनकी रक्षा में अपनी जान लड़ा दूंगा। उनके लिए बादशाही सेना की खुशामद करूंगा। कारावास की कठिनाइयां सहूंगा, किंतु इस संकट में उन्हें छोड़ नहीं सकता। सारंदा ने लज्जित होकर सिर झुका लिया और सोचने लगी, निस्संदेह प्रिय साथियों को आग की आंच में छोड़कर अपनी जान बचाना घोर नीचता है। मैं ऐसी स्वार्थांध कैसे हो गई? लेकिन एकाएक विचार उत्पन्न हुआ। बोली, यदि आपको विश्वास हो जाए कि इन आदमियों के साथ कोई अन्याय ना किया जाएगा, तो आपको चलने में कोई बाधा तो नहीं होगी? राजा कुछ सोचकर बोले, पर यह विश्वास दिलाएगा कौन? सारंदा, बादशाह के सेनापति का प्रतिज्ञा पत्र। राजा बोले, हाँ, फिर तो मैं आनंद के साथ चल लूंगा। सारंदा विचार सागर में डूबी। बादशाह के सेनापति से क्यों कर वो प्रतिज्ञा कराऊं? कौन ये प्रस्ताव लेकर वहां जाएगा और निर्दयी ऐसी प्रतिज्ञा करने ही क्यों लगे? उन्हें तो अपनी विजय की पूरी आशा है। मेरे यहां ऐसा नीति कुशल वाकपटु चतुर कौन है जो इस दुष्कर कार्य को सिद्ध करे? पर छत्रसाल चाहे तो कर सकता है, उसमें ये सब गुण मौजूद हैं।
इस तरह मन में निश्चय करके रानी ने छत्रसाल को बुलाया। ये उसके चारों पुत्रों में बुद्धिमान और साहसी था। रानी उसे सबसे अधिक प्यार करती थी। जब छत्रसाल ने आकर रानी को प्रणाम किया तो उसके कमल नेत्र सजल हो गए और हृदय से दीर्घ निश्वास निकल गया। छत्रसाल बोला, माता मेरे लिए क्या आज्ञा है? रानी, आज लड़ाई का क्या ढंग है? छत्रसाल, हमारे 50 योद्धा अब तक काम आ चुके हैं। रानी, बुंदेलों की लाज अब ईश्वर के हाथ में है। छत्रसाल, हम आज रात को छापा मारेंगे। रानी ने संक्षेप में अपना प्रस्ताव छत्रसाल के सामने उपस्थित किया और कहा, यह काम किसे सौंपा जाए? छत्रसाल बोले, मुझको। रानी, क्या तुम इसे पूरा कर दिखाओगे? छत्रसाल, हाँ मुझे पूरा विश्वास है। रानी, अच्छा जाओ, परमात्मा तुम्हारी मनोरथ पूरी करे। छत्रसाल जब चला तो रानी ने उसे हृदय से लगा लिया। तब आकाश की ओर दोनों हाथ उठाकर कहा, हे दयानिधि, मैंने अपना तरुण और होनहार पुत्र बुंदेलों की आन के आगे भेंट कर दिया है। अब इस आन को निभाना तुम्हारा काम है। मैंने बड़ी मूल्यवान वस्तु अर्पित की है, इसे स्वीकार करो। दूसरे दिन प्रातःकाल सारंधा स्नान करके थाल में पूजा की सामग्री लिए मंदिर को चली। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और आंखों तले अंधेरा छाया था। वो मंदिर के द्वार पर पहुंची थी कि उसके थाल में बाहर से आकर एक तीर गिरा। तीर की नोक पर एक कागज का पुर्जा लिपटा हुआ था। सारंधा ने थाल मंदिर के चबूतरे पर रख दिया और पुर्जे को खोल कर देखा तो आनंद से चेहरा खिल गया, लेकिन यह आनंद क्षण भर का था। हाय, इस पुर्जे के लिए मैंने अपना प्रिय पुत्र खो दिया है। कागज के इस टुकड़े को इतने महंगे दामों में किसने लिया होगा आज तक? मंदिर से लौटकर सारंधा राजा चंपत राय के पास गई और बोली, आपने जो वचन दिया था उसे पूरा कीजिए। राजा ने चौंक कर पूछा, तुमने अपना वादा पूरा कर दिया? रानी ने वो प्रतिज्ञा पत्र राजा को दे दिया। चंपत राय ने उसे गौर से देखा, फिर बोले, अब मैं चलूंगा और ईश्वर ने चाहा तो एक बार फिर शत्रुओं की खबर लूंगा। लेकिन सारंग, सच बताओ, इस पत्र के लिए क्या देना पड़ा है? रानी ने कुंठित स्वर में कहा, बहुत कुछ। राजा बोले, मैं भी सुनूं। रानी, एक जवान पुत्र। राजा को बाण सा लग गया। पूछा, कौन? अंगद राय? रानी, नहीं। रतन सा? नहीं। छत्रसाल? हाँ। जैसे कोई पक्षी गोली खाकर परों को फड़फड़ाता है और तब बेदम होकर गिर पड़ता है, उसी भांति चंपत राय पलंग से उछले और फिर अचेत होकर गिर पड़े। छत्रसाल उनका परम प्रिय पुत्र था। उसके भविष्य की सारी कामनाएं उसी पर अवलंबित थी। जब चेत आया तो बोले, सारन, तुमने बहुत बुरा किया। अंधेरी रात थी। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपत राय को पालकी में बैठाए किले के गुप्त मार्ग से निकली जाती थी। आज से बहुत काल पहले एक दिन ऐसे ही अंधेरी दुखमयी रात्रि थी जब सारंधा ने शीतला देवी को कुछ कठोर वचन कहे थे। शीतला देवी ने उस समय जो भविष्यवाणी की थी वो आज पूरी हुई। क्या सारंधा ने उसका जो उत्तर दिया था वो भी पूरा होकर रहेगा? मध्यान्ह था। सूर्य नारायण सिर पर आकर अग्नि की वर्षा कर रहे थे। शरीर को झुलसाने वाली प्रचंड प्रखर वायु वन और पर्वत में आग लगाती फिरती थी। ऐसा विदित होता था मानो अग्निदेव की समस्त सेना गरजती हुई चली आ रही हो। गगन मंडल इस भय से कांप रहा था। रानी सारंधा घोड़े पर सवार चंपत राय को लिए पश्चिम की ओर चली जाती थी। ओरछा 10 कोस पीछे छूट चुका था और प्रतिक्षण यह अनुमान स्थिर होता जाता था कि अब हम भय के क्षेत्र से बाहर निकल आए। राजा पालकी में अचेत पड़े हुए थे और कहार पसीने से सराबोर थे। पालकी के पीछे 5 सवार घोड़ा बढ़ाए चले आते थे। प्यास के मारे सबका बुरा हाल था। तालू सूखा जाता था।
किसी वृक्ष की छांव और कुएं की तलाश में आंखें चारों ओर दौड़ रही थी। अचानक सारंडा ने पीछे की तरफ देखा तो उसे सवारों का एक दल आता हुआ दिखाई दिया। उसका माथा ठनका कि अब कुशल नहीं है, ये लोग अवश्य हमारे शत्रु हैं। फिर विचार हुआ कि शायद मेरे राजकुमार अपने आदमियों को लिए हमारी सहायता को आ रहे हैं। नैराश्य में भी आशा साथ नहीं छोड़ती। कई मिनट तक वो इसी आशा और भय की अवस्था में रही, यहाँ तक कि वो दल निकट आ गया और सिपाहियों के वस्त्र साफ नजर आने लगे। रानी ने एक ठंडी सांस ली, उसका शरीर तृणवत कांपने लगा। ये बादशाही सेना के लोग थे। सारंदा ने कहारों से कहा, डोली रोक लो। बुंदेला सिपाहियों ने भी तलवारें खींच ली। राजा की अवस्था शोचनीय थी, किंतु जैसे दबी हुई आग हवा लगते ही प्रदीप्त हो जाती है, उसी प्रकार इस संकट का ज्ञान होते ही उनके जर्जर शरीर में वीरात्मा चमक उठी। वे पालकी का पर्दा उठाकर बाहर निकल आए, धनुष बाण हाथ में लिया, किंतु वो धनुष जो उनके हाथ में इंद्र का वज्र बन जाता था इस समय जरा भी ना झुका। सिर में चक्कर आया, पैर थर्राए और वो धरती पर गिर पड़े। भावी अमंगल की सूचना मिल गई। उस पंख रहित पक्षी की सदृश जो सांप को अपने तरफ आते देखकर ऊपर को उचकता और फिर गिर पड़ता है। राजा चंपत राय फिर संभल उठे और फिर गिर पड़े। सारंधा ने उन्हें संभाल कर बैठाया और रोकर बोलने की चेष्टा की, परंतु मुंह से केवल इतना ही निकला, हे प्रिय। इससे आगे मुंह से एक शब्द भी ना निकल सका। आन पर मरने वाली सारंधा इस समय साधारण स्त्रियों की भांति शक्तिहीन हो गई, लेकिन एक अंश तक यह निर्बलता स्त्री जाति की शोभा है। चंपत राय बोले, सारन देखो, हमारा एक वीर जमीन पर गिरा। शोक, जिस आपत्ति से यावत जीवन डरता रहा उसने इस अंतिम समय में आ घेरा। मेरी आंखों के सामने शत्रु तुम्हारे कोमल शरीर में हाथ लगाएंगे और मैं जगह से हिल भी ना सकूंगा। हाय मृत्यु, तू कब आएगी? ये कहते कहते उन्हें एक विचार आया। तलवार की तरफ हाथ बढ़ाया मगर हाथों में दम ना था। तब सारंदा से बोले, सारन तुमने कितने ही अवसरों पर मेरी आन निभाई है। इतना सुनते ही सारंधा के मुरझाए हुए मुख पर लाली दौड़ गई, आंसू सूख गए। इस आशा में कि मैं पति के कुछ काम आ सकती हूँ, उनके हृदय में बल का संचार कर दिया। वो राजा की ओर विश्वासोत्पादक भाव से देखकर बोली, ईश्वर ने चाहा तो मरते दम तक निभाऊंगी। रानी ने समझा राजा मुझे प्राण देने का संकेत कर रहे हैं। चंपत राय बोले, तुमने मेरी बात कभी नहीं टाली। सारंधा बोली, मरते दम तक नहीं टालूंगी। राजा बोले, ये मेरी अंतिम याचना है, इसे अस्वीकार ना करना। सारंधा ने तलवार को निकालकर अपने वक्षस्थल पर रख लिया और कहा, ये आपकी आज्ञा नहीं है, मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं मरूं तो ये मस्तक आपके पद कमलों पर हो। चंपत राय बोली, तुमने मेरा मतलब नहीं समझा सारन। क्या तुम मुझे इसलिए शत्रुओं के हाथों में छोड़ जाओगी कि मैं बेड़ियां पहने हुए दिल्ली की गलियों में निंदा का पात्र बनूं? रानी ने जिज्ञासा की दृष्टि से राजा को देखा, वो उनका मतलब नहीं समझी। राजा, सारन मैं तुमसे एक वरदान मांगता हूं। रानी, सहर्ष मांगिए। राजा, ये मेरी अंतिम प्रार्थना है, जो कुछ कहूंगा वो करोगी? रानी, सिर के बल करूंगी। राजा, देखो तुमने वचन दिया है, अब इनकार नहीं करना सारन। रानी, आपके कहने की देर है बस। राजा चंपत राय बोले, अपनी तलवार मेरी छाती में चुभा दो। रानी के हृदय पर वज्राघात सा हो गया। बोली, हे प्रभु। इसके आगे वो कुछ नहीं बोल सकी, आंखों में नैराश्य छा गया। राजा बोले, मैं बेड़ियां पहनने के लिए जीवित नहीं रहना चाहता सारन। रानी बोली, पर मुझसे ये कैसे होगा? पांचवां और अंतिम सिपाही धरती पर आ गिरा। राजा ने झुंझलाकर कहा, इसी जीवन पर आन निभाने का गर्व था तुम्हें? बादशाह के सिपाही राजा की तरफ लपके। राजा ने नैराश्यपूर्ण भाव से रानी की ओर देखा।
रानी क्षण भर अनिश्चित रूप से खड़ी रही, लेकिन संकट में हमारी निश्चयात्मक शक्ति बलवान हो जाती है। निकट था कि सिपाही राजा को पकड़ लें कि सारंधा ने दामिनी की भांति लपक कर तलवार राजा के हृदय में चुभा दी। प्रेम की नाव प्रेम के सागर में डूब गई। राजा के हृदय से रुधिर की धारा निकल रही थी, पर चेहरे पर शांति छाई हुई थी। कैसा हृदय है वो स्त्री जो अपने पति पर प्राण देती थी, आज उसकी प्राण घातिका है। जिस हृदय से आलिंगित होकर उसने यौवन सुख लोटा, जो हृदय उसकी अभिलाषाओं का केंद्र था, जो हृदय उसका अभिमान का पोषक था, उसी हृदय को सारंधा की तलवार छेद रही है। किसी स्त्री की तलवार से ऐसा काम हुआ है? आत्माभिमान का ये कैसा विषादमय अंत है। उदयपुर और मारवाड़ के इतिहास में भी आत्मगौरव की ऐसी घटनाएं नहीं मिलती। बादशाह सिपाही सारंधा का ये साहस और धैर्य देखकर तंग रह गए। सरदार ने आगे बढ़कर कहा, रानी साहिबा, खुदा गवाह है, हम सब आपके गुलाम हैं। आपका जो हुक्म हो उसे बशरोचश्म बजा लाएंगे। सारंधा ने कहा, अगर हमारे पुत्रों में से कोई जीवित हो तो ये दोनों लाशें उसे सौंप देना। ये कहकर उसने वही तलवार अपने हृदय में चुभा ली। जब वो अचेत होकर धरती पर गिरी तो उसका सिर राजा चंपत राय की छाती पर था। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी रानी सारंधा, भारती कुमारी की आवाज में। जल्दी ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए किस्सा कहानी से।